तो भैया देखिए यहाँ पर जो है दही से छाछ बनाई जा रही है। थे माउंट आबू, सुंदा माता और अंबाजी, पावागढ़ से होते हुए हमने द्वारिका के दर्शन किए। द्वारिका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए व्लॉग के अंदर। मैं अनिल चौधरी और जैसा कि आप जानते हैं मैं अभी कर रहा हूँ राजस्थान से गुजरात की यात्रा। और पहले हमने राजस्थान में इदाना माता जी जो अग्नि स्नान करते हैं वहाँ के दर्शन किए। फिर हम जो है गए थे माउंट आबू, सुंदा माता और अंबाजी, पावागढ़ से होते हुए हमने द्वारिका के दर्शन किए। द्वारिका, बेट द्वारिका और हर्षद माता, काफी सारे पॉइंट हैं जहाँ पे हमने जो है गुजरात में घूमे। और फिलहाल जो है कल रात को बारिश होने की वजह से हम जो है यहाँ पर रुक गए पोरबंदर और जो मेन द्वारिका है, द्वारिका उसके बीच में ये एक जगह है पोरबंदर से इधर, क्योंकि हम जा रहे थे सोमनाथ लेकिन बारिश की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। हमारा स्टे होने वाला था सोमनाथ के अंदर लेकिन हम यहाँ रुके। ये बहुत ही अच्छी है गौशाला बनी हुई है और यहाँ पर देख लीजिए कुछ हम जो है यहाँ पर भोजन पका रहे हैं आज। और ये हमने अभी जो है चाय और कॉफी वगैरह जो है रेडी कर दी है। तो ये कुछ सामान है यहाँ पे जो हम कैरी करते हैं, ये आप देख सकते हैं टमाटर हैं, आलू और ये कुछ हरी सब्जी वेजिटेबल्स हैं। और ये बड़े बड़े सारे जो हैं भोजन के पात्र हैं, इनमें जो है हम ट्रेवल के दौरान जो है खाना बनाते हैं। सिलेंडर भी आप देख लीजिए, एक सिलेंडर यहाँ पे पड़ा है, एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर हमारी बस में पड़ा है। और दो ये जो है बड़ी बड़ी सिगड़ियाँ, ये सिगड़ियाँ और ये हमारे साथ कुक है, ये खाना वगैरह बनाते हैं ये भैया। और ये हमारे ट्रेवल एजेंट पंकज भाई है जो काफी अच्छा ट्रेवल कराते हैं। एंड हमारी जो गाड़ी है वो वहाँ सामने खड़ी है तो मैं थोड़ी देर में आपको गाड़ी भी दिखाऊंगा क्योंकि बारिश अभी ज्यादा हो रही है। थोड़ी देर में आपको गाड़ी दिखाएंगे कि गाड़ी कैसी हम लेकर चल रहे हैं अभी, और गौशाला का भी पूरा बताएंगे। आप कभी इस एरिया में आओ द्वारिका के पास में और जो है सोमनाथ से थोड़ा इधर पोरबंदर साइड, तो इस गौशाला में आप रुक सकते हो। तो थोड़ी देर बाद आपको सब दिखाते हैं और ये देख सकते हैं आप। थोड़ी देर बाद हम भोजन बनाएंगे तो वो भी आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे आप ट्रेवल के दौरान भोजन वगैरह कर सकते हो। और ये पूरी धर्मशाला है, यहाँ आप देख सकते हैं आप चार्जन के पोर्ट वगैरह सारे लगे हुए हैं। हालांकि ये रूम वगैरह लॉक है, हमने जो रूम वगैरह ले रखे हैं वो सामने साइड है और बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ का जो किचन है वहाँ हम खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो हम खाने के लिए हम इस हॉल में आ गए। तो यहाँ अभी हमारा पूरा खाना बनेगा और अंदर थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ गौशाला कैसी रहेगी। और कल हम जाने वाले हैं सोमनाथ और उसके बाद में बहुत सारी जगह जो है हम और जाने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ, गौशाला दिखाऊंगा आपको और फिर रूम वगैरह आपको दिखाते हैं, बस दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हाइजीन का कितना ध्यान रखा जा रहा है। इस बाल्टी के अंदर जो है सब्जी को पूरा डाल के रखा है ये, ताकि जो है एकदम अच्छे से ये धुल जाए। बाकी यहाँ पे हमारे पास जो पात्र हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, जिसमें 50 से जो 100 जने लोगों का जो खाना है एक साथ हम बना सकते हैं। तो भैया देखिए यहाँ पर जो है दही से छाछ बनाई जा रही है। तो भैया ने पूरा बटर मिल्क तैयार कर दिया ये, या वाह भाई वाह, जबरदस्त। ये सब्जियों की कटिंग भी यहाँ स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर में खाना वाना बन जाएगा। अगर ये बारिश थोड़ा रुक जाए तो बारिश थोड़ा रुक जाती तो मजा आ जाता। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी गाड़ी कैसी है, गाड़ी में कैसे हम ट्रेवल करते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं यार, माताजी द्वारा जो है लहसुन फोली जा रही है। लहसुन फोल के क्या बनाओगे आप अभी? हाँ, सब्जी, कढ़ी, चावल। अच्छा, तो अभी बनेगी सब्जी, कढ़ी, चावल और रोटी। और फिलहाल हमने जो चाय बनाई थी, इसकी चुस्किया लेकर बताता हूँ कैसी बनी है। हाय हाय, चाय भी काफी ही अल्टीमेट बनी है। और सामने पूरा ये जो है गौशाला है, तो थोड़ी देर में चलते हैं गौशाला देखते हैं। और ये प्याज वगैरह की कटिंग शुरू हो गई है। हेलो, नमस्कार, क्या करो भाई साहब? भाई हम कांदे काट रहे हैं और सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं अभी। अच्छा, सब्जी बनाओगे? कौन सी सब्जी बनानी है? मिक्स वेज बन रही है। मिक्स वेज बने? क्या बात कर रहे हो, कढ़ी बनेगी, चावल बनेगा और फुलके बनेंगे। तो आप अगर इनके साथ यात्रा करेंगे तो आपको मतलब बहुत ही शानदार खाना खिलाएंगे। भैया आप क्या कर रहे हो? मैं सब्जी काट रहा हूँ और नाम है किशन जी जोशी। अच्छा अच्छा, क्या कौन सी सब्जी काट रहे हो आप? ये पत्ता गोभी है। अच्छा, मिक्स वेज बनाओगे आज? मिक्स वेज बना रहे। चलो पकड़ ले। बाकी जो है ये इस तबेले में हमने चाय बनाई थी, इसमें 40-50 जनों की चाय एक साथ बना सकते हो आप। तो गाइस, कल मैंने आपको जो है हम खाना कैसे बनाते हैं और कहाँ हमने स्टे किया ये बताया था। और फिर हमने आपको गाड़ी दिखाई थी। रात को जो है तूफान काफी ज्यादा आ गया था, देख लीजिए पानी जो है चारों तरफ भर गया, इसलिए मैं आपको जो है गौशाला नहीं दिखा पाया। अभी थोड़ी बहुत गौशाला आपको दिखा देते हैं। और ये कुछ व्यू है, और पानी पूरा भर गया है। रात को इधर तूफान था, लेकिन अब किधर चला गया पंकज भाई? कच्छ भुज की तरफ वापस मुड़ गया। कच्छ भुज की तरफ यहाँ पर था तूफान, वो जो है कच्छ भुज की तरफ मुड़ गया। और फिलहाल मैं आपको गौशाला दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी गौशाला है, बहुत सारी गायें खड़ी हैं। ये देख लीजिए, ये गायों के खाने के लिए चारा। और वहाँ अंदर आप देख सकते हैं सारी गायें माता, ये बहुत सारी गाय अंदर, ये गाय माता। और ये पूरा कुछ जो है गौशाला बना हुआ है। और सामने हमारी बस खड़ी है, पीछे हमारे रहने का है। अब नेक्स्ट, पानी भी काफी कम हो गया, बारिश कम होगी, तो हम चलने वाले हैं सोमनाथ। नेक्स्ट वीडियो जो है सोमनाथ का रहेगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं भी कर रहा हूं राजस्थान से गुजरात की यात्रा, जिसके जो ब्लॉग है आप देख रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।